राधे राधे दोस्तों। तो चलिए आज हम करी पत्ता का पेड़ लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये गमले, देखिए मिट्टी को हम अच्छी तरीके से सुखा लिए, दो भाग मिट्टी लिए हैं और एक भाग यहाँ पर देख सकते हैं बगल में ये गोबर का खाद लिए हैं। ऐसे इसमें मेरा पहले का गोबर का खाद मिलाया हुआ था क्योंकि हाल ही में इसमें हम एक पौधा लगाए थे, जो पौधा हमको दूसरा में लगाना पड़ा तो गोबर का खाद मिला हुआ था। फिर भी सोचे कि एक बार फिर से इसमें लगाते हैं पौधा, तो गोबर का खाद मिला देते हैं। और गमला को देखिए एकदम साफ कर लिए हैं और यहाँ पर ये पानी निकलने वाला छेद है तो इस पर एक दिया रख दिए हैं। आप नीचे देखिए थोड़ा सा हम कूट का टुकड़ा डाल देंगे यहाँ पर, ताकि किधर से अगर मतलब थोड़ा बहुत भी कुछ वहाँ पर जाए तो पानी आराम से निकल जाए। और यहाँ पर ये देखिए सूखा हुआ डंठल है, सूखा जो डंठल होता है पेड़ पौधा का पत्ता उत्ता वो हम सब जमा करते हैं, कुछ नहीं छत का कचरा कुछ भी नहीं फेंकते हैं, हम दूसरे गमला में उसको डाल देते हैं। जब वो कंपोस्ट हो जाता है मतलब उसका खाद बन जाता है तो उसको हम पेड़ पौधा में यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सूखा हुआ पहले हम पत्ता उत्ता डाल दिए इसमें, और थोड़ा सा मिट्टी डालेंगे ऊपर से ताकि जल्दी से खाद बन जाए। इसमें थोड़ा सा हम गोबर का खाद भी डाल देंगे ताकि अच्छी तरीके से ये सब खाद में तुरंत बन जाए। और यहाँ से फिर थोड़ा सा मिट्टी डालेंगे ताकि देखिए एकदम बराबर हो गया है, पत्ता जो भी हम डाले थे तो बराबर हो गया है यहाँ पर। अब बिल्कुल एकदम कम से कम खर्चा आपका, कुछ भी इसमें मेरा एक पैसा भी नहीं लगा है। और ये देखिए हम ये करी पत्ता का पेड़ लगा रहे हैं, एक करी पत्ता का बहुत बड़ा पेड़ हमारे पास है लेकिन एक छोटा पेड़ भी लगा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए जो भी मिट्टी था गोबर का खाद था जो हम मिला दिए हैं अच्छी तरीके से, गोबर का खाद और मिट्टी मिला दिए हैं। और यहाँ पर देखिए ये पेड़ है जो मेरा एक दूसरा गमला में था तो हम उसमें से निकाल के इसको रख दिए थे ताकि हम इस गमला में लगा सके, अब बहुत आसानी से आप लगा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए छोटा छोटा दो पेड़ है तो हम दोनों पेड़ लगा देते हैं। और जब मेरा पेड़ अच्छा से हो जाएगा तो एक पेड़ को हम निकाल के दूसरे में ट्रांसफर कर देंगे और एक पेड़ इसी में छोड़ देंगे, लेकिन फिलहाल हम छोटा छोटा है तो दोनों पेड़ को हम इसी में लगा देते हैं। अब पेड़ का पत्ता हटा के उस पर मिट्टी देंगे, नहीं तो मिट्टी जाएगा पत्ते पर तो पेड़ खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो गोबर मिला हुआ मिट्टी है मतलब खाद मिला हुआ मिट्टी है वो हम गमला में डाल रहे हैं चारों तरफ से अच्छी तरीके से। आप जिस इस तरीके से आप नर्सरी से भी पेड़ ला कर रोप सकते हैं, ऐसे तो मिल जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितना आसानी से हम रोप लिए। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा, लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को भी दबा ले ताकि जब भी हम ऐसा वीडियो डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और यहाँ पर देखिए कितना आसान तरीके से हम करी पत्ता का पेड़ लगा दिए हैं, देख सकते दम लग गया है। और मिट्टी को हाथों से दाब दाब के यहाँ पर पूरा अच्छे तरीके से मिट्टी को बैठा देंगे और खाद बन जाएगा तो और मिट्टी अंदर चल जाएगा। तो यहाँ पर हम इसमें पानी डाल देते हैं, तो देख सकते जब हम पेड़ लगाए हैं। अब पेड़ अब जब भी लगाए तो कोशिश करें कि हम शाम के टाइम में आप लगाए ताकि अच्छी तरीके से पेड़ लग जाए, शाम का टाइम हो तो ठीक रहता है, धूप उस समय नहीं रहता है तो पेड़ को बहुत अच्छा तरीके से उसको मतलब कि लगने में उसको आसानी होता है और बहुत अच्छा से भी लग जाता है। तो ठंडा का मौसम हो तब लगा और तो शाम में लगा। तो यहाँ पर देखिए अभी तो ठंडा का भी मौसम है, शाम का भी मौसम है, तो हम पेड़ लगा दिए हैं करी पत्ता का, इसमें हम अच्छे तरीके से पानी डाल दिए। तो देखिए हमारा पेड़ एकदम लग के अच्छे तरीके से लग चुका है। और तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और पसंद आया हुआ तो दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और यहाँ पर मेरा पेड़ लग के एकदम तैयार हो चुका है।